सरकार में देश की सेना का हौसला बुलंद हुआ है। भारतीय सेना अब दुश्मन देशों में घुसकर देश के खिलाफ साजिशें रचने वालों को नेस्त नाबूद कर सुरक्षित वापस लौट रही है। मोदी सरकार में देश की सीमा और सीमा पर तैनात जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। एक तरफ देश की सेना को नई नई तकनीक से लैस किया जा रहा है, तो वहीं उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेने वाले देश के जवानों को अब आतंकियों का ठिकाना लगाना और आसान हो जाएगा। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पहली बार तैनात एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप अब अपने हथियारों के जखीरे में पॉकेट ड्रोन्स को शामिल करने जा रही है। ड्रोन के जरिए अब किसी भी घर या बिल्डिंग में छुपे आतंकियों को बड़ी आसानी से ढूंढकर उसे पकड़ा जा सकेगा या फिर जरूरत पड़ने पर उसे ठिकाना लगाया जा सकेगा। साथ ही ऐसे ऑपरेशन में अक्सर जवानों के जान जाने वाले जोखिम पर भी विराम लग जाएगा। दुनिया की कई देशों की स्पेशल फोर्स ऐसे मिनी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस पॉकेट हेलीकॉप्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है। पॉकेट ड्रोन्स की खास बात यह है कि इसका वजन काफी कम होता है। काफी हल्के होने के कारण कमांडो इसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं और इसीलिए इसे पॉकेट ड्रोन या मिनी ड्रोन भी कहा जाता है।